आईएमए में पासिंग आउट परेड की खास बात ये थी कि यहाँ पर पीपिंग सेरेमनी होती है जिसमें कि पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इस बार परिजनों को नहीं बुलाया गया। तो यहाँ आईएमए के जो सैन्य अफसर हैं उन्हीं की फैमिलीज ने इस पूरी पीपिंग सेरेमनी को अंजाम दिया। ये कैडेट्स के लिए बेहद भावुक क्षण था। ये जेंटलमैन कैडेट्स के लिए बहुत ही भावुक क्षण हैं, क्योंकि इस बार की पीपिंग सेरेमनी में इनके पेरेंट्स नहीं आए हैं, तो ये आर्मी अफसर और उनके जो परिजन हैं वही इन लोगों की पीपिंग सेरेमनी कर रहे हैं। पीपिंग सेरेमनी एक तरीके का इनके लिए उत्सव होता है, इस दौरान इनके बैजेस उतारे जाते हैं। गौतम, तभी आज आप पास आउट हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है लाइफ का, बहुत साल इसके लिए वेट किया था तो आज पास आउट हुए हैं, 11 साल हो गए हैं टोटल। आईएमए को कितना आप अच्छा मानते हैं ट्रेनिंग के लिए? आईएमए की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, यहाँ WT फिजिकल ट्रेनिंग ड्रिल सब कुछ है यहाँ पर। कोरोना को लेके एक सोशल डिस्टेंसिंग को लेके थोड़ी सी दिक्कत हुई कि आज फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो पाई आपके इस माहौल में, फैमिली नहीं आ पाई, कैसा आपको लगा, मिस किया? अब फैमिली नहीं आई, थोड़ा मिस किया तो है, बट जो ये ऑफिसर्स हैं और उनकी फैमिली है वो हमारी फैमिली का काम किया है, उन्होंने पिपिंग की है, ये सब पूरी आया में एक फैमिली है, फैमिली की तरह रहते हैं सारे। तो आज ऑफिसर्स की जो फैमिली ने आपको पिपिंग सेरेमनी आपकी की, उसको आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, अगर अपनी खुद की फैमिली होती तो और भी अच्छा लगता, बट पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है तो इतना तो कर सकते हैं। माय नेम इज लेफ्टिनेंट MNS सिल्वा फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका, कैसा फील कर रहा है आपने IIM से पास आउट किया है? कितना अच्छा मानते हैं एकेडमी को? IIM इज अ वेरी गुड एकेडमी, आई मेट डिफरेंट कंट्रीज ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स एज वेल एज आई एम फ्रॉम XNDA, I met Navy Air Force officers also there. Actually, we are getting their opportunity to meet future officers. Mm-hmm. We can do a big thing in future like this if you do join this training as well as. And today is a very proud moment. Only thing, but our parents can happy because they see the whole parade and the pipin ceremony in live. Mm-hmm. However, I wish good luck to all officers today who pass out. Thank you. Jai. क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह, अभी तो सेकंड लेफ्टिनेंट एहसानुल्लाह। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अफगानिस्तान। आपने IIM से पास आउट हुए हैं, यहाँ आकर के आपको कैसा लगता है, जो आगे ट्रेनिंग का स्केल क्या है यहाँ पे? जब हम फर्स्ट सिविलियन लाइफ से आते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है पहला टर्म, लेकिन फिर उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत हमारी बॉडी सब शेप में आती है, हमारी यहाँ पे जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है, फिजिकल भी और मेंटली भी हम बहुत अभी फिट हो गए हैं, और अभी खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी कंट्री में जाए और वहाँ अपने देश के लिए खिदमत करे और अपने लोगों के लिए अपने देश में पीस लाए। और इसलिए IIM को आप कितना बेहतर मानते हैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग? IIM एक बहुत अच्छी अकेडमी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्ल्ड में तीसरा अकेडमी है ट्रेनिंग के हिसाब से, और यहाँ की ट्रेनिंग जो है, यहाँ की जो ऑफिसर से ये जो यहाँ पे आते हैं बहुत सारी बहुत अच्छी ऑफिसर से, और इनकी जो एजुकेशन से ये भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे हम लोगों को भी बहुत अच्छी से ट्रेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जो यहाँ पे ट्रेनिंग किया और यहाँ से पसंद किया जा रहा है। इंडियन फूड में क्या अच्छा लगता है आपको? इंडियन फूड में जो यहाँ पे सब हमारे तो दाल बहुत मिलती है, और अभी हमको भी दाल बहुत पसंद आ गई है, लेकिन पहले जो था आपका जो खाना है वहाँ से बहुत डिफरेंट है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए? मैसेज तो या सब इंडियंस हमारे जो कोर्समेट्स थे, ऑफिसर्स थे, या कि जो एकेडमिक में स्टाफ से,
इनके सबको शुक्रिया कहना चाहते हैं जो हमारे साथ यहाँ पे बहुत अच्छे सलूक किया और हमारे हमको यहाँ पे अपने मेहमान की तरह रखा और बहुत खिदमत की और बहुत अच्छी से हमको यहाँ पे रखा। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext Live के कोई भी वीडियो मिस ना करें।